वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, एक सियासी शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा टल चुका। पंजाब और केपी में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उस पर अमल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की CPNE के वफ्द से मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं खालिद महमूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। बोले, इमरान खान रैलियों में जा सकते हैं लेकिन अदालतों में नहीं। एक शख्स, सियासी शख्स, अपने आप को कानून से अब बालातर समझता है। हर अदालत को, चाहे वो अदालत उज़्मा है, चाहे वो अदालत आलिया है, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे वो दूसरे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, हर इदारे को वो डिफाई कर रहा है और टोटल नेकेड डिफाइंस है। वज़ीर आज़म ने बरवक्त इंतखाबात को आईनी और कानूनी जरूरत करार दे दिया। इलेक्शंस पाकिस्तान में वक्त के ऊपर अगर होंगे तो आईन कानून रियासत उसमें अपना जानदार होगी और मुल्क आगे चलेगा। इस हवाले से जहाँ तक का वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, हम अपनी जो पूरी जो फर्ज की अदायगी है उसको हम निभा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, साबिक हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे से इन्हराफ किया, अब हमें उम्मीद है स्टाफ लेवल पर मुआहदा जल्द हो जाएगा और फिर वो बोर्ड के पास जाएगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।